नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड वितरण। चलिए दोस्तों, अच्छी शुरुआत करते हैं। आज है 11 दिसंबर और आज अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बज रहे हैं। आज सैटरडे, सैटरडे का मतलब मार्केट ऑफ रहेगा। बट ओरिएंट सीमेंट के अंदर मुझे लगता है कि अब जो गिरावट होती है गिरावट हो चुकी है। अब इसमें जो ट्रेंड आया वापसी, तो मेरे को लगता है ट्रेंड के साथ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें आप भी अपने कैपिटल को ग्रोथ कर पाएंगे और अपने अच्छे खासा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये देखिए, सी के बिरला ग्रुप की कंपनी है ओरिएंट सीमेंट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन करके, कंपनी की वेबसाइट के अंदर क्या है ये देखिए, क्या चल रहा है इसके अंदर। ये देखिए, सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो बेसिकली ये है इनका क्या है, ये और भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डीलर्स के साथ इंजीनियरिंग का काम करती हैं और होम बिल्ड करती हैं। ये इनका वेंचर है, बाकी सीमेंट इनका मेन है, ठीक है ना। ये इनके कुछ सीमेंट के वो हैं प्रोडक्ट इनके, ठीक है ना, कौन कौन से सीमेंट के अंदर डील करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि ओरिएंट सीमेंट, आपको समझ आ गया कि ओरिएंट सीमेंट के बारे में, कंपनी के नाम से समझ आ रहा है कंपनी किस चीज़ में, ठीक है। तो कंपनी के काम से ही, नाम से ही काम उनका समझ आ रहा। तो बेसिकली हमें ज़्यादा नहीं चलते, आप समझते हैं शेयर के अंदर चल क्या रहा है और क्या इसमें अभी भी आप बाइंग का मौका है या नहीं, ये भी समझते हैं। तो ये फ्राइडे के दिन इसके अंदर क्या हुआ, तो ये फ्राइडे के दिन 2.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तेज़ी की वजह भी देखेंगे तो ये ओपन होता है 162.20 का, हाई मारा इसने 166.95 का, लो मारा इसने 162.20 का, 52 हाईएस्ट का 185.55 का, 52 लो है 76.50 का। तो इसका ओवरव्यू है, ये कब से कंपनी है, 1979 से इंडिया में, इंडिया से कंपनी है। 5 दिन में अभी तक इन्हें ओनली 4% के रिटर्न दिए, क्योंकि कल ही भागा था ये फ्राइडे वाले दिन, तो इस वजह से मैं 4% के पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। 1 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें माइनस में इंडिकेशन दिया, यानी -4% दिया है। 6 मंथ के अंदर अभी तक 23% पॉजिटिव में दिए हैं, और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें ओनली 90% पॉजिटिव में साइन, पॉजिटिव दिया रिटर्न इसने अभी तक। तो इसका ओवरव्यू तो मोटा मोटा आप समझ सकते, इसके अंदर चल क्या रहा है। तो ये देखिए, मैंने एनएससी की साइड ओपन करा, तो एनएससी के अंदर इसने कल फ्राइडे के दिन, यानी 10 दिसंबर के अंदर, इसके अंदर कितनी डिलीवरी उठा गई है, 52% इसमें डिलीवरी उठा दी गई है 10 दिसंबर वाले दिन, यानी कल के दिन जब कल ट्रेडिंग होती, तो पूरे दिन में कितनी डिलीवरी उठी है इसके अंदर, 52%। अब इसका शेयर होल्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर पब्लिक की, प्रमोटर की होल्डिंग है 37.37, पब्लिक की होल्डिंग है 40.4774, DIS की होल्डिंग है 15.92 और FIS की होल्डिंग है 5.97। तो ये अच्छी बात है, और कंपनी प्रीवियस से बाहर आई है, यानी सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रीवियस से बाहर भी आया है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस से बाहर आया शेयर होल्डर के उससे, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। आप समझते हैं चल क्या रहे। देखिए, मैं टिकट टाइप की साइड पर आ चुका हूँ, तो इसमें भी देखिए सीमेंट सेक्टर की कंपनी, इसमें 100% एनालिसिस में बोले सब बाय करने के लिए। अब इसके चलते चार्ट पे, हमें चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, ये देखिए मैंने सर डेली चार्ट ओपन कर रखा है। डेली चार्ट पे आप देखिए किस तरह से ये स्लाइडली डाउनफॉल से अब ट्रेंडिंग की तरफ जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आने को तैयार है। ये देखिए 21 डेज की एवरेज मूव और ये 100 डेज की एवरेज मूव, ये देखिए 7 डेज की एवरेज मूव इनको क्रॉस करने को तैयार बैठी है। इस टाइम पे क्रॉसिंग आने वाली है और बिल्कुल टचिंग पे, एकदम रेजिस्टेंट के बिल्कुल लेवल पे, टच पे, जैसे ही ये 100 डेज को मूव करके जाएगा, तो इसमें जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो डेफिनेटली अप ट्रेंडिंग के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस होकर डेफिनेटली मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसमें क्रॉस मूविंग आएगा। ये देखिए RSI पे किस तरह से हल्का सा अप ट्रेंडिंग आया, MACD के ऊपर देखिए RSI इस टाइम पे 60 का टच करने वाली है, तो ये इंडिकेशन है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल टच होकर चल रहा है, यानी कि 100 डेज के एवरेज मूव को क्रॉस करने जा रही है और फिर 21 डेज को एवरेज मूव क्रॉस करेगी। जैसे ये क्रॉस मूविंग होगी तो इसमें अप ट्रेंडिंग आएगी, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, 160 के स्टॉप लॉस से बाय करिए आप। यहाँ से पहला टारगेट मेरा आएगा 170 रुपये का, पहला टारगेट 170 का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल पर सपोर्ट है 170 के बीच में, ये जो ये कैंडल बनी हुई है इस कैंडल पर देखिए, ये कैंडल 170 की कैंडल है। जैसी ये कैंडल इस पे, इसका बॉटम है, इसका लो है, इस कैंडल के टच में बिल्कुल, जैसे कैंडल खत्म, जैसे इस कैंडल पर स्टार्ट होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ बाएंगे इसके अंदर, यानी कि 2 नवंबर के दिन इसके अंदर अच्छी बाइंग हुई थी, तो फिर से आप ट्रेंडिंग तरफ आ रहे हैं, तो फिर वापस आ रहा है इसके अंदर। तो ये लास्ट मंथ की, और ये देखिए 20 डेज के एवरेज, 20 डेज का हाइस पे ट्रेड कर रहा है इस शेयर, इसका बॉटम पे, इसका लो पे, यानी कि बीच में है। जैसे ही ये इसको फॉल करेगा, जैसे इसका ट्रेंडिंग आएगा, तो इसका सपोर्ट लेके पहला टारगेट 170 का वैसे हिट हो जाएगा। जैसे 170 का हिट करेगा तो इसमें इस पर आ जाएगा 180 तक की कैंडल है। तो मेरा जो पहला टारगेट 170 का, दूसरा टारगेट 175 का, तीसरा टारगेट 179 का, पहला टारगेट 170 का, सेकंड टारगेट 175 का, थर्ड टारगेट इज 179। क्यों? क्योंकि ये कैंडल 2 कैंडलों पे ट्रेड करेगा, क्योंकि इसमें जो अब ट्रेंडिंग का फॉल है वो है 180 तक का। तो हमें क्या करना है, 170 के
179 तक के टारगेट के लिए होल्ड करना है, 160 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करना है। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस मूविंग आएगी डेफिनेटली मंडे के ट्रेडिंग में अप ट्रेंडिंग, क्योंकि RSI MACD दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं चार्ट के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 160 का स्टॉप लॉस बाय करिए, पहला टारगेट 170 का, दूसरा टारगेट 175 का, तीसरा टारगेट 179 का, तीन टारगेट का बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। और थोड़ा सा वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे क्या है, ये 10 से 15 दिन में टारगेट हिट होंगे सारे के सारे। वीकली चार्ट पे भी देखिए किस तरह से इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे दो वीक से हैवी वॉल्यूम के साथ यानी बुलिश ट्रेंड है। और ये देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे ये 200 डेज को एवरेज मूव क्रॉस करके जा रही है 100 डेज के, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली पे भी और डेली चार्ट पे भी, RSI MACD दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें बाय करना, पोजीशन होल्ड करना, अगर आपके पास है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, बाकी आपके पास है तो होल्ड करिए। 179 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 10 से 15 दिन में। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।